कि रावण इतना प्रतापी था, भगवान शिव का परम भक्त था, इतना ज्ञानी ब्राह्मण था, फिर भी उसमें इतना घमंड क्यों था? रावण की कुंडली में वो कौन सा ग्रह है, कौन सी ग्रह दशा उसके अहंकार और उसकी मृत्यु का कारण बनी, ये पंडित जी से जानते हैं। ये सवाल बहुत लोगों के मन में होगा, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान भी था, रावण से बड़ा ज्ञानी कहते हैं कोई नहीं था। और जब रावण की मृत्यु हुई तो खुद राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि तुम इनसे ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उसके बावजूद भी इतना घमंड, शिव के परम भक्त होने के बावजूद भी इतना अहंकार, क्या था कुंडली में ऐसा? देखो, श्रद्धा ऐसा है, आदमी जब जरूरत से ज़्यादा ईमानदार हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा संपन्न हो जाता है, तो अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो स्वतः प्रकट हो जाती है। रावण विशेषर्वा का पुत्र था, विशेषर्वा विशेष रूप से यज्ञ कर रहे थे, उसी समय रावण की माँ उनके पास पहुँची थी। उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कैसे आगमन हुआ है आपका? वाल्मीकि रामायण की कथा है, तो कहती है कि मैं काम से पीड़ित होकर के आपके पास संतान प्राप्ति के लिए आई हूँ। बोले कि मैं यज्ञ में और तप में हूँ और आप इतनी गलत बात कर रही हैं, काम से पीड़ित होकर के मेरे पास आई हैं। मैं आपको दान नहीं इसलिए कर सकता हूँ, इसलिए कि ये मतलब कि जो है हमारी यज्ञ अधूरी हो जाएगी, लेकिन आपके दो महापुरुषकर्मा पुत्र होंगे जो संसार के लिए दुखदायी होंगे और आपके लिए भी दुखदायी होंगे। वो बहुत रोने गाने लगी कि अगर मेरे पुत्र इतने दुष्ट होंगे और इतने दुखदायी होंगे, पूरे संसार को दुख देने वाले होंगे, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करिए, मैं नहीं जानती थी कि यज्ञ के समय में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, एक पुत्र तुम्हारा अच्छा भी होगा, लेकिन उस पुत्र को पाने के लिए तुम्हें एक कन्या भी उत्पन्न करनी होगी। तो रावण और कुंभकर्ण ये दोनों विशिष्ट आत्माएँ पैदा हो गई। विभीषण आए जरूर बात के आशीर्वाद के अनुसार, लेकिन उसके साथ सुरपुरखा को भी आना पड़ा। तो यही चार संतान हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी नींव ही खराब समय में पड़ती है तो उसके अंकुर को कैसे अच्छे माना जा सकता है। रही बात विद्वान की, तो देखो एक बात जान लो श्रद्धा, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालङ्घ कृतोपशनः मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुष्ट आदमी चाहे जितना बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिन सर्पों में नागमढ़ी होती है, नागमढ़ी कितनी बहुमूल्य चीज है, जिन सर्पों में नागमढ़ी होती है, क्या उनके अंदर जहर नहीं होता है? क्या उनके काटने पर लोग नहीं मरते हैं? इसीलिए नीति का यह श्लोक है, दुर्जनः परिहर्तव्य, दुर्जनों का परित्याग कर दो। विद्या अलंकृतोपशनः, चाहे वो जितना विद्या से अलंकृत हो, मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। तो कहने का मतलब, रावण की जन्म कुंडली में लगने सूर्य के लग्न में स्थित होने तथा नैसर्गिक शुभग्रह गुरु भी लग्न में होने के कारण लग्न अति बलवान था। लग्नस्थ सूर्य पर पूर्व ग्रह मंगल की दृष्टि होने के कारण वह अहंकारी और तानाशाह था। कुंडली के द्वितीय भाव में लाभेश और धनेश बुध की उसकी अपनी ही स्वयं की राशि में स्थिति के कारण धन योग का निर्माण हो रहा है। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र दशम भाव में है और यहाँ उसकी तुला में केतु और स्त्री भाव का स्वामी शनि बैठे हैं, इसी कारण वह बहुत विलासिता प्रिय रहा होगा। भातृभाव में पृथकतावादी ग्रह उच्च का शनि केतु के साथ स्थित है। पंचमेश गुरु के पंचम से नवम भाव में और जन्म कुंडली के लग्न स्थान में स्थित होने के कारण तथा लग्न से अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण वह अनेक पुत्रों वाला विद्यावान, बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ हुआ। लग्न में लगने सूर्य तथा पंचमेश की युति गुरु ने रावण को प्रख्यात ज्योतिषाचार्य भी बनाया। गुरु की दूसरी राशि अष्टम में होने के कारण तथा अष्टमेश गुरु अष्टम स्थान से षष्ठ स्थान में होने के कारण और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, यह सारी स्थिति अंत में रावण की विद्या बुद्धि के विनाश का कारण बनी। अतः विनाश काल के समय उसकी बुद्धि विपरीत हो गई।
भाग्य भाव जिसको नवम भाव कहते हैं में राहु की उपस्थिति के कारण रावण का भाग्य बलवान था। मंगल की राशि मेष में स्थित राहु पर उच्च के शनि की पूर्ण दृष्टि है, इस कारण वह सफल राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ बना। इसी योग के कारण उसमें नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता भी आई। नवम भाव का कारक गुरु है, यह भाव धर्म भाव भी कहलाता है। ऐसे स्थान में पापक ग्रह राहु के स्थित होने से रावण भगवान राम का विरोधी था। राजेश शुक्र के राज्यभाव में होने के कारण रावण का शासन पक्ष बहुत मजबूत था, इसलिए दीर्घकाल तक उसने विशाल राज्य का पूर्ण सुख भोगा। लग्नेश और पंचमेश की युति संबंध भी राजयोग का निर्माण करती है। तो रावण के जन्म चक्र में ग्रहों का राजा सूर्य लग्नेश होकर स्वयं लग्न में पंचमेश गुरु के साथ स्थित है। राशि मकर थी, यह वैश्य राशि है और इसका स्वामी शनि शूद्र वर्ण है। अतः रावण सद्गुणी ब्राह्मण नहीं था, वह रजोगुण प्रधान था। आयु भाव का स्वामी गुरु लग्नेश सूर्य के साथ देह भाव में स्थित है। मार्केश बुध मार्ग भाव में स्थित है। सप्तमेश शनि के पराक्रम भाव में और गुरु के केंद्र स्थान में होने से कक्षा वृद्धि हो रही है। रावण की कुंडली जन्म कुंडली के लग्न में स्थिर राशि और अष्टम में दुष्भाव राशि होने से दीर्घायु योग बना। कक्षा वृद्धि होने के कारण यह परम आयु योग बन गया। इस योग के कारण ही रावण लगभग 10,000 वर्षों तक जीवित रहा। त्रेता युग की मनुष्य की अधिकतम आयु 10,000 वर्ष ही थी। रावण के पतन का कारण छठा भाव में चंद्रमा और मंगल की युति है। छठे भाव को शत्रु स्थान भी कहा जाता है। यहाँ व्ययेश चंद्र के साथ मंगल स्थित है। सिंह लग्न के लिए मंगल जिस भाव में स्थित है होता है उसकी वृद्धि करता है। चंद्र स्त्री ग्रह है और रावण की कुंडली में व्ययेश भी है, इसलिए एक स्त्री अर्थात सीता जी उसके साम्राज्य के पतन और उसकी मृत्यु का कारण बनती है। शत्रु भाव में मंगल की उच्च राशि मकर तथा अष्टम भाव में गुरु की राशि होने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई। एक प्रकार से यह ब्रह्म सामीप्य मुक्ति है। राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत को अग्निबाण मारा था। चंद्र अमृत और मंगल अग्नि बाण का प्रतीक है। धनेश के प्रबल त्रिश्रायेश होकर कुटुंब भावस्थ होने के कारण धन कुटुंब पुत्राद की वृद्धि हुई। रावण ब्राह्मण था लेकिन ज्योतिष शास्त्रज्ञ इसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि सिंह लग्न वाला व्यक्ति रजोगुणी होता है। इस लग्न का स्वामी सूर्य क्षत्रिवर्ण का है। दशहरा शक्ति उपासना का अंतिम सोपान है जो हमें अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने का संदेश देता है, इसलिए दशहरे पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करने का विधान है। इस दिन 10 सिर वाले दशानन रावण का वध हुआ था और इसका नाम दशहरा इसीलिए पड़ा। ये एक तरह से अन्याय पर न्याय की विजय पताका है, अधर्म पर धर्म की जीत है और ये त्यौहार बहुत कुछ संबंध व्यक्ति को बहुत कुछ समझाता है कि अहंकार मत करो, अत्याचार मत करो, पापाचार ना करो, क्योंकि अगर रावण का अंत हो सकता है तो फिर सामान्य मनुष्य का अंत गलत कर्म करने पर क्यों नहीं होगा। ये बात हर समय दिमाग में रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।